सो है गाइस, मैं हूं टैलेंट। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करके बताने वाला हूं, जो कि देखने में काफी ही एकदम रियलिस्टिक लगता है। ये जो मैंने फोटो बनाया है, इस फोटो का नाम है विंग्स कॉन्सेप्ट। और मैं बता दूं कि ये एकदम काफी कम समय में इसको बना लिया था, और आपको भी एकदम ऐसा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे आप काफी एकदम इजी तरीके से बना सकते हो। एकदम 10-15 मिनट में इजी तरीके से एकदम बना सकते हो। और इसमें जो भी बैकग्राउंड या पीएनजी मैंने यूज किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर एकदम डायरेक्ट पीएनजी और बैकग्राउंड को एकदम से डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जब डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए डायरेक्ट अब हम चलते हैं अपना पीसी पर और जान लेते हैं कैसे इस फोटो को बनाना है। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने पीसी में और आप यहां पर देख लीजिए, मैंने फोटोशॉप को ओपन किया हुआ है। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप पिक्सआर्ट या जितना भी फोटो एडिटिंग करने का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आता है उन सब आप इस फोटो को इजीली बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको कुछ इस तरह का फोटो क्लिक करवा लेना होगा। आप सेम पोज में करवा सकते हैं या अलग पोज में करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फोटो ऐसा क्लिक करवा लेना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए बैकग्राउंड रहा, ये वाला बैकग्राउंड है तो इसको आपको यूज करना है। और ये देखिए जो फोटो का साइज है, आप देख लीजिए व्हाइट कलर का मैंने रखा हुआ है। और देख सकते हैं ये पंख है, पीएनजी तो नहीं है बट हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपने फोटो क्लिक करवाया है, जो आपका मॉडल है, उसको सबसे पहले आपको पीएनजी कर लेना होगा, उसका कटआउट निकाल लेना होगा। और उसके बाद आपको जाना होगा फोटोशॉप या पिक्सआर्ट या जितने भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आता है उस सब में आपको जाना है। जो आप बैकग्राउंड है मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ओपन में जाने के बाद आपको ये देखिए जो फोटो साइज नेम्स है इसको ओपन आपको करना है। ध्यान से देखिए फोटो साइज नेम्स होगा। अब आपको लाना होगा जो हमारा बैकग्राउंड है, ये वाला, इस बैकग्राउंड को आपको लाना है, तो विंग्स का बैकग्राउंड, तो इसको हम लाते हैं। अब हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि हमको अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट करना है। और इसको आप इस साइड ला दीजिएगा। अब इसको आप डन कर दीजिएगा, इतना हो गया। अब आप जो अपना फोटो को कटआउट किए हैं इसको आप लाइएगा और यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा। अब आप इसको छोटा बड़ा जो भी आपको करना है कर लीजिएगा, मैं आपको इतना पर ही छोड़ देता हूँ। और जो आपका विंग्स है ना, अब आपको इसको सेट करना है। आप इसको जाइए इस पर विंग्स पर और इसको कंट्रोल टी कीजिए। अब आप इसको थोड़ा इधर ड्रैग कीजिए जहां तक आपको लगे कि नहीं इतना अच्छा लग रहा है। अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है, एकदम सेम इसी विंग्स का डुप्लीकेट लेयर। हम जाते हैं पर क्लिक करते हैं, देखिए डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करते हैं और ओके। अब इसको कंट्रोल आपको टी करना है, देखिए जो कॉपी वाला है इसको कंट्रोल टी। अब इसको आप फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल। अब जितना मतलब अच्छा लगे वो जितना पाए आपको उतना ही रखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो पीछे का वॉल है ना, तो इसको हमको इरेज करना है। इरेजर पर जाएंगे और इसका जो साइज बड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा इरेज करेंगे जिससे समझ में नहीं है कि भाई अलग से लगाया गया है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर दो विंग हो गया, तो दोनों को एक लेयर में जोड़ना होगा। कंट्रोल दबाकर हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए मर्ज कर दीजिए दोनों को, मर्ज लेयर। कंट्रोल यू पर जाना है, ह्यू एंड सैचुरेशन, सैचुरेशन को -100 करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा है और जो हमारा मॉडल है इस पर लाइट कम है, तो हमें करना क्या होगा, अपने मॉडल पर जाना होगा और कंट्रोल एम कर में आ जाना है। और यहाँ पर जो आपका ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा एकदम मतलब बढ़ाना है जैसे मैच करने लगे, मेरे को लग रहा है इतना सही है, अगर कम होगा तो बाद में हम कर लेंगे। अब हम इसको करना है कंट्रोल यू, ह्यू एंड सैचुरेशन। अब हम इसको जूम करके देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा कलर है। अभी देखिए जितना भी मतलब मेरा साइड साइड है ना, यहाँ पर येलो कलर दिख रहा है भाई साहब, बहुत खराब लग रहा है। मास्टर पर क्लिक करना है एंड येलो पर जाना है। अब इसका सैचुरेशन को माइनस करना है, देखिएगा कितना मतलब अच्छा लगने लगेगा। चलो ठीक है -70। अब जो रेड पर हम जाते हैं और रेड पर जाने के बाद हम इसको भी थोड़ा सैचुरेशन माइनस करते हैं और जो इसका लाइट है इसको भी भाई साहब थोड़ा माइनस। अब देखिए यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। मैं यहाँ पर एक पीएनजी को ऐड करना चाहता हूँ, तो पीएनजी है ये वाला जो हमारा फेदर है, जो पंख है, इसको हमको लाना है। और यहाँ पर लाने के बाद इसको भी हमको बड़ा करना है थोड़ा, तो हम यहाँ पर स्क्रीन कर लेते हैं। अब कंट्रोल टी, अब हमको जहाँ पर अच्छा लगे हम वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं अभी के समय में। चलो इतना पर मैंने डन कर दिया। अब हम इसको इरेज करेंगे और जितना भी मतलब हमको पार्ट नहीं चाहिए हम उसको इरेज करेंगे चुपचाप। अगर आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हैं बट मैं इरेज यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो मैंने इतना कर दिया। अब देख सकते हैं हमारा फोटो कुछ इस तरीके का दिखने लगा। डॉज टूल पर आपको जाना है और जब का साइज है उसको आपको बढ़ा लेना है और आपको इसको जूम करना है थोड़ा सा और अपना मॉडल पर आना है और यहाँ पर हल्का हल्का व्हाइट कलर आपको देना है और आपको थोड़ा थोड़ा देना है। और यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका रेंज में शेडो कर लेता हूँ। बर्न टूल पर जाते हैं और जो विंग का लेयर है इस पर हम आते हैं और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर शेडो ओके विंग्स पर करना है आपको, ये ध्यान रखना है राइट। और आपको ब्लर टूल में सबसे पहले आप जाइए और आपका जो मॉडल है उस पर आपको आना है, साइड साइड में सभी जगह जितना भी आपका हेयर हो या कुछ भी हो ब्लर कर देना है चुपचाप। देखिए यहाँ पर मैं ब्लर कर रहा हूँ, आपको हेयर पर
भी ऐसे कर लेना है, एकदम रियल लगेगा। तो चलिए, जितना हमारा फोटोशॉप का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में और देखते हैं कैसे हमको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करना होगा, जिससे हमारा जो फोटो है कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। आप देख लीजिए कितना हमारा फोटो अच्छा लग रहा है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर लाइट रूम एप्लीकेशन में और यहाँ पर हमने फोटो को इम्पोर्ट कर लिया है। देख सकते हैं कितना क्वालिटी में हमारा फोटो है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जाना होगा सूर्य वाले ऑप्शन में और यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रास्ट है उसको करना होगा आपको प्लस की साइड, और जो हाईलाइट है इसको करना होगा माइनस की साइड, और जो आपका शेड हो इसको भी माइनस, और जो आपका यहाँ पर व्हाइट है इसको आपको करना है प्लस, और जो ब्लैक है इसको भी आपको करना है प्लस। राइट, जाते हैं पर टेम्परेचर ऑप्शन में और जो इसका टेम्परेचर इसको करना है माइनस, और जो इसका टिंट है इसको भी करना है आपको थोड़ा प्लस कर लीजिए इसको, चलिए ठीक है प्लस। और जो आपका वाइब्रेशन है इसको करना है थोड़ा माइनस, और जो आपका सेचुरेशन है उसको करना है थोड़ा सा प्लस। राइट, इतना हो गया। अब हम जाते हैं बॉक्स वाले ऑप्शन में और यहाँ पर टेक्सचर को करते हैं प्लस, और जो क्लैरिटी है इसको भी करते हैं प्लस, और जो विग्नेट है इसको करते हैं माइनस। अब जाते हैं यहाँ पर हम देखिए त्रिभुज वाले ऑप्शन में, और जो शार्पनिंग है इसको करते हैं प्लस के साइड 50 कर लेते हैं, और जो इसका जो नॉइज रिडक्शन है इसको 25, और जो कलर नॉइज रिडक्शन है इसको 25, और जो स्मूथनेस है इसको हम कर लेते हैं 60 के अराउंड। चलो इतना ठीक है, इतना तो हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर टेम्परेचर ऑप्शन में और हम जाते हैं जो ये जो मिक्स का ऑप्शन है इसमें, जो आपका फेस वाला कलर दो पर इसको आना है, एंड जो इसका सिचुएशन है इसको थोड़ा माइनस कीजिए, और जो इसका लुमिनस है इसको आपको थोड़ा प्लस कीजिए। अब आ जाइए येलो कलर पर और जो इसका सिचुएशन थोड़ा माइनस कीजिए, और जो लुमिनस है इसको भी थोड़ा प्लस कीजिए। अभी तो इतना हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए ये जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ओके तो इस पर हम जाते हैं लास्ट वाला ये वाला, इस पर हम जाते हैं ओके ग्लोबल पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, इसको हम आपको ड्रैग करना है। अब देखिए मेरे में जो टोन था कुछ इस तरीके का था, ओके तो आपको जो भी इसमें से टोन पसंद हो आप ले सकते हैं, बट मेरे में तो देख लीजिए ये वाला मेरे में टोन था जो कि काफी ही देखने में अच्छा लग रहा था। तो इतना हमारा काम हो चुका। अगर आप में ब्राइटनेस कम होगा तो यहाँ पर सूर्य वाला ऑप्शन में जाकर एक्सपोजर को आप थोड़ा सा दे सकते हैं। सो देख सकते हैं जो हमारा फोटो यहाँ पर 100% कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये रहा हमारा बिफोर एंड ये रहा आफ्टर, देख सकते हैं हमारा फोटो कितना एकदम HD क्वालिटी में और कितना अच्छा लगने लगा, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको इसको गैलरी में सेव करने के लिए करना क्या होगा, शेयर वाला ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं सेव टू ड्राइव, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका फोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप कि जो मैं आपको बताया आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अगर आपने फुल वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में सारा कुछ आ ही गया होगा कि मैंने कैसे इसको एडिटिंग किया। तो जल्दी से जाओ और अपना फोटो एडिटिंग करो और इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड करो, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो मिलते हैं कैसे न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।